तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल पोल्ट्री एम के पी एच। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में दोस्तों जैसे कि बात किए थे कि अगर आप देसी अंडों के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो देसी अंडों के बिजनेस के लिए मतलब सबसे बेस्ट कंपनी कौन सा होता है। तो अगले वीडियो में जैसे कि हम बात किए थे कि मतलब ये कंपनी का नाम बताएं जिसका नाम था मतलब रोधा आइसलैंड रेड के बारे में दोस्तों, जैसे कि हम पहले वीडियो में बात किए थे। तो वो जैसे कि बोला जाता है कि मतलब सबसे बेस्ट कंपनी होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है अगर आप मतलब जैसे कि बेसिकली अंडों के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो, और इसमें अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी है जैसे कि। तो इसमें आपको जैसे कि सालाना अगर हम बात करें कि मतलब रोधा आइसलैंड रेड मतलब जो चिक्स होता है मतलब जो पर्पस जैसे कि अंडों के लिए बिजनेस मतलब वो किया जाता है मतलब, तो इसका मतलब जैसे कि अच्छा खासा का बीड आता है मतलब अच्छा खासा कंपनी है दोस्तों। और लगभग वो जैसे कि हम बात करें कि सालाना आपको मतलब 250 से 260 अंडा मतलब प्रोवाइड करवा देता है मतलब, अगर आप सही से अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जो कि, तो इसका मतलब अंडा का जो देने का मतलब कॉस्ट होता है वो भी आपको बढ़ सकता है मतलब। तो रोधा आइसलैंड मतलब जैसे कि मेरा मानना तो वो एक बेटर कंपनी है, और अगर आप मतलब जैसे अंडों के बिजनेस करना चाहते हैं तो वो मतलब जैसे कि बेस्ट कंपनी जैसे कि बोला जाता है मतलब, और बेस्ट फिर मतलब बेस्ट कंपनी बोला जाता है मतलब। तो जैसे कि आप अंडों के बिजनेस करना चाहते हैं तो हम एक बार मतलब मेरा रिकमेंड है कि एक बार मतलब ट्राई करें कि रोधा आइसलैंड मतलब किस तरह का चिक्स है, वो तो बहुत अच्छा मतलब चिक्स है। और अगर आपका मार्केटिंग में जैसे कि वो मतलब वो मार्केटिंग में अवेलेबल नहीं है जहाँ पे रहते हैं मतलब, और इस तरह का कंपनी का चिक्स नहीं मिलता है, तो आप हैचरी वाला यूज कर सकते हैं। हैचरी वाला में होता क्या चाहिए मतलब, देखिए हैचरी वाला में होता क्या है कि हैचरी वाला में जो जैसे कि हम देसी अंडों के बिजनेस करना चाहते हैं, और हैचरी वाला जैसे कि हम चिक्स वगैरह मंगाते हैं, तो हैचरी वाला होता है कि मतलब जैसे कि वो दावा करता है कि 300 प्लस अंडा मतलब देने का दावा करता है, पर इस तरह का होता नहीं है। तो 300 अंडा मतलब देने का दावा करता है पर इस तरह का होता नहीं है। तो मैं जैसे कि आप जैसे कि हैचरी वाला चिक्स वगैरह का मंगा के देखते हैं, और जैसे कि आप इसके सही प्रकार से जैसे कि मैनेजमेंट करके देखते हैं और मतलब सब सब कुछ करके देखते हैं, तो इसका भी जो अंडा देने का कॉस्ट आता है वो लगभग मतलब 230 या 250 का रहता है मतलब, एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो इतना नहीं रहता मतलब। जैसे कि जो लोग मतलब बात करता है कि जैसे अंडों के बिजनेस के लिए जो लोग मतलब बात करता है बहुत सारा कि मतलब इतना अंडा देता है फसलाना इतना अंडा देता है, पर इस तरह का नहीं होता मतलब। पर इससे लाने के बाद जैसे कि मतलब और सही प्रकार से मतलब मैनेजमेंट करने के बाद जैसे कि, तो परफेक्टली हम देखते हैं कि 230 या 250 अंडा मतलब वो देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों मतलब हैचरी वाला की दोस्तों बात कर लिया। तो इससे मेरा मतलब बेटर रहेगा कि दोस्तों आप रोधा आइसलैंड मतलब एक बार मंगा कर देखें अपना एरिया पे दोस्तों, अगर आपका मार्केटिंग वगैरह में वो मिलता होगा तो मतलब चिक्स मतलब पर्पस मतलब देसी अंडों के लिए जैसे देसी अंडा का उत्पादन करना चाहते हैं तो दोस्तों मतलब। और अगर दोस्तों जैसे कि आपका मार्केटिंग में अवेलेबल नहीं है देसी मतलब रोधा आइसलैंड के रेट बात जैसे आर आई आर की वजह से बात करें दोस्तों, रोधा आइसलैंड रेट इससे बोला जाता है मतलब, अगर आपका मार्केटिंग में अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो एक मेरा जैसे कि रिकमेंड है दोस्तों ब्लॉक मतलब एक आता है दोस्तों ब्लॉक एस्ट्रोलॉप का मतलब कुछ कंपनी आता है मतलब इस तरह का मतलब, वो भी दोस्तों देसी अंडों के लिए पर्पस मतलब देसी अंडों के लिए बिजनेस के लिए मतलब आपको मतलब चिक्स मंगा सकते हैं। ब्लॉक एस्ट्रोलॉप मतलब अच्छा कंपनी का मतलब वो भी मतलब चिक्स आता है, तो इसका मतलब वो मंगा सकते हैं वो भी दोस्तों बहुत ही बेटर रहता है मतलब। तो वो भी दोस्तों जैसे कि हम पर्सलाना जैसे की बात करें तो वो भी आपको मतलब 250 से 260 अंडा मतलब प्रोवाइड करवा देता है अगर आपका मतलब सही से मतलब मैनेजमेंट का मतलब रहे तो। तो एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो वो भी 250 से 260 अंडे मतलब देने का मतलब दावा मतलब दे ही देता है मतलब। तो वो दो कंपनी दोस्तों हमें बेटर लगा दोस्तों। तो आप मतलब जैसे कि बेसिकली मतलब अंडों के लिए बिजनेस करना चाहते हैं और अंडों के लिए बिजनेस के लिए आप चिक्स मतलब मंगाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि दोस्तों रोधा आइसलैंड मतलब मंगाएं या फिर मतलब ब्लॉक एस्ट्रोलॉप का जो मतलब चिक्स आता है वो भी इसका मंगाएं मतलब। तो वो दोनों दोस्तों बेटर कंपनी हमें लगा दोस्तों। तो मतलब जैसे कि आपका मार्केटिंग में दोस्तों दो कंपनी अवेलेबल नहीं है तो आप मतलब हैचरी वाला दोस्तों चिक्स मंगा सकते हैं, और हैचरी वाला चिक्स में जैसे कि दावा करता है कि 300 प्लस 320 या 350 अंडे मतलब सालाना पर सालाना देगा, पर इस तरह का कुछ होता नहीं है मतलब। तो आप इसे परफेक्टली मतलब फार्म पे वगैरह का नान कर देखें और मतलब इसे पार कर देखें और इसी प्रकार से मैनेजमेंट वगैरह करके देखें तो इस तरह का अंडा मतलब देता नहीं जितना वो दावा करता है। तो दोस्तों मतलब जानकारी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो में दोस्तों हम दो कंपनी ऐसे बताएं दोस्तों जो कि आप जैसे कि आप देसी अंडों के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मतलब ट्राई करके देखें एक बार कि मतलब किस तरह का मतलब वो सब चिक्स आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो मतलब अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पोल्ट्री से रिलेटेड आप किसी भी तरह का दोस्तों हमें जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करें या फिर यूट्यूब पे करें दोस्तों, तो कहीं भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपका कमेंट का रिप्लाई मतलब जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए।